धर्म की आड़ पाठ में बेटा हमने अभी तक पढ़ा था कि किस तरह से एक साधारण व्यक्ति जो है उसे कुछ नहीं पता, लेकिन वो कुछ लोगों की बातों में आकर धर्म के नाम पर किस तरह से झगड़ने लगता है, किस तरह से अपना ही नुकसान करता है। ठीक है, एक छोटी सी बात है, किसी विदेश में, विदेश में कहीं पर किसी ने किसी धर्म ग्रंथ का अपमान कर दिया, कुछ हुआ। ठीक है, कुछ हुआ, हमें नहीं पता क्या हुआ, हमने केवल सुना और हमने यहाँ अपने देश में नुकसान करना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, केवल सुनी सुनाई बात पर, ना हमने देखा, ना हमने जाना, ना हमें कुछ पता है। क्या ये ठीक है? नहीं। कुछ लोग अपना मोनोपली क्रिएट कर लेते हैं, मानो, ठीक है, अपने आप को अच्छा बना लेते हैं लोगों की नजरों में, किसी धर्म, किसी संस्था के, किसी धार्मिक स्थान के मुखिया बन गए, कोई प्रमुख बन गए, कुछ भी बन गए। अब लोग उन्हें बहुत मानने लगे और उस आड़ में, उस धर्म की आड़ में वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं, अपने ही काम करने लगते हैं, अपनी स्वार्थ सिद्धि करने लगते हैं। क्या ये ठीक है? नहीं। इसमें उन्हीं लोगों के बारे में बताया है जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 64, थर्ड पैराग्राफ, आई थिंक थर्ड पैराग्राफ। आर्यन, ओके, शुरू से पढ़ लेते हैं। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है, यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इन्हें गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। ये उस समय पाठ लिखा गया था जब बहुत ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, लेकिन अब ज्यादा हैं, अब पोजीशन कुछ और है। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा है कि वहां धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार, वहां धन की मार ज्यादा है, यानी कि लोगों को शोषित किया जाता है, गरीबों को और गरीब बना दिया जाता है, यहाँ बुद्धि पर मार है, लोगों की बुद्धि को ही हर लिया जाता है। अमीर लोग, 64, सिट प्रॉपरली हविश, प्लीज सिट प्रॉपरली, बैक लगा के मत बैठिए, सीधे बैठिए, आगे आ जाइए बेटा, यहाँ पर वहां धन दिखाकर लोगों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। जोत दिया जाता है, मैंने आपको बताया था ना, हल के साथ जैसे बैलों को जोत दिया जाता है, तो घूमते रहते हैं, उसी के लिए काम करते रहते हैं, तो लोग भी ऐसे ही बना दिए जाते हैं। बियर इट, मास्क एंड सिट प्रॉपरली, यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना, अंडरलाइन इट पेंसिल से, बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आस्था का, आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। पहले तो खुद को भगवान के तुल्य मानने लगते हैं, ईश्वर के रूप में मनवाने लगते हैं और लोगों को अपने वश में कर लेते हैं, फिर उन्हीं लोगों को धर्म, ईश्वर, ईमान के नाम पर आपस में लड़वा देते हैं। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाइयां देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म की दुहाइयां देते हैं मूर्ख लोग, जिन्हें समझ नहीं है, जिनको वश में कर लिया जाता है, धर्म की दुहाई देते हैं। और कुछ जो धूर्त लोग हैं, बुरे लोग हैं, चालाक और दुष्ट लोग हैं, उन्हें ऊंचा आसन देते हैं और उनका बल बढ़ा देते हैं। जो मूर्ख लोग हैं वो धर्म की दुहाइयां देते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, धर्म के नाम पर ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, गरीब, हम गरीबों पर दया करो, गरीबों पर दया करो, गरीबों पर दया करो, धर्म के नाम पर दया करो। ठीक है,
कभी देखा है कोई धार्मिक कार्यक्रम कोई हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी धर्म के नाम पर नारे लगा रहे हैं, क्या उनको धर्म का मतलब पता है? जो सिखा दिया वही हो गया। इसी तरह से इन लोगों को जो सिखा दिया वही सीख गए, और जो बड़े लोग हैं उन्हें ऊंचे आसन पर बिठा दिया जाता है, हाई पोजीशंस दे दी जाती है। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए, अंडरलाइन, इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। ये जो धर्म के नाम पर व्यापार हो रहा है, बिजनेस होता है धर्म के नाम पर, उसे रोकना चाहिए। उसके लिए क्या जरूरी है, कैसा उद्योग होना चाहिए, मतलब उसके लिए क्या जरूरी है, इस व्यापार को रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? साहस और दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ता मतलब दृढ़ निश्चय, पक्का सोचना कि यही होगा, यही करना है, उसको साहस के साथ रोका जाना चाहिए। ऐसा साहस होना चाहिए। भीषण मतलब बहुत बड़ा व्यापार, भीषण व्यापार। भीषण शब्द जो है वो नेगेटिव है, ठीक है? बहुत बड़ा व्यापार जो हो रहा है उसको साहस और दृढ़ता के साथ रोकना चाहिए। रोकने का साहस होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम नहीं होंगे। जब तक इन चीजों को रोका नहीं जाएगा धर्म के नाम पर झगड़े होते रहेंगे। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। जो व्यक्ति जिस तरह से धर्म को मानना चाहता है उस तरह से उसे मानने देना चाहिए, उसे रोकना नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर दूसरों के धर्म में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। इस धर्म में ऐसा होता है, उस धर्म में ऐसा होता है, अपने ही धर्म में लोगों को नहीं भड़काना चाहिए। ऐसे करो वैसे करो, ये ठीक है वो ठीक है, ये गलत है वो गलत है, उन्होंने ऐसे कर दिया अब हमें ऐसे करना है, ये गलत है। धर्म की उपासना होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, लेकिन अपने तरीके से, जिसका जितना मन है उतना धर्म को माने, नहीं मने तो ना माने। जितना कोई मानना चाहता है, जितना कोई करना चाहता है, उसमें कोई बंदिश नहीं होनी चाहिए। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, धर्म और ईमान मन का सौदा हो, अपने मन से जो आप चाहें वो करें। आपका पूजा, आपका जो मन चाहे वो करने दें, अपना ईमान, ईमानदारी, अपना ईमान, ऑनेस्टी। ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन हो। ईश्वर और आत्मा के बीच संबंध होना चाहिए, आत्मा और ईश्वर, उसके बीच में संबंध होना चाहिए। बीच में ये लोग नहीं आने चाहिए, व्यापार करने वाले धर्म के नाम पर ये नहीं होना चाहिए। आत्मा और ईश्वर का संबंध होना चाहिए। आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचा उठाने का साधन हो। जो धर्म है, धर्म को लड़ाई झगड़े और स्वार्थ के लिए नहीं प्रयोग करना चाहिए। जो धर्म है वो आत्मा को शुद्ध करने और आत्मा को ऊंचा उठाने का साधन होना चाहिए, भगवान से मिलन का साधन होना चाहिए। आत्मा को ऊंचा उठाना मतलब भगवान को प्राप्त करना, भगवान की प्राप्ति तक पहुंचना, उसका एक साधन होना चाहिए। आत्मा को शुद्ध करने का, अपने मन को शुद्ध करने का, साफ करने का, कि मेरा धर्म कहता है ईश्वर एक है, मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, मुझे भाईचारे के साथ रहना है, मुझे ये बातें अपनाकर अपने मन को शुद्ध करना है। मन शुद्ध होना चाहिए, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। धर्म जो है वो मन को शुद्ध करने का साधन होना चाहिए, ठीक है? एक जरिया है। अगर मैं हिंदू धर्म में हूं, आप सिख धर्म में है, हमारा धर्म ये कहता है कि सबको मिलजुल कर रहना है, हर धर्म यही कहता है सबको मिलजुल कर रहना है। अब मेरा मन साफ होना चाहिए, मेरे मन को ये मानना चाहिए कि हम सब एक हैं और हम सबको मिलकर रहना है, तो वो मेरा धर्म मुझे सिखाता है।
हमें धर्म की बात को अपने मन को शुद्ध करने के लिए मानना है। किसी दशा में भी वह किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। धर्म जो है वो दूसरों की स्वतंत्रता को खत्म ना करे। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता, स्वतंत्रता। धर्म के नाम पर किसी की इंडिपेंडेंस खत्म नहीं होनी चाहिए। आपका मन चाहे आप उस तरह का धर्म माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वे माने। जो जिसका मन है वो करे। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो। दो अलग अलग धर्म हैं, आपस में उनमें टकराव नहीं होना चाहिए। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाना है। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसे देश की स्वतंत्रता का विरोधी माना जाना चाहिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। यहां पर इस लाइन में 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है। आप अपने देश को अंग्रेजों से आजाद करवाना चाहते हैं। सब लोग इसीलिए स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी थे, सब अपने देश से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। लेकिन आखिर में क्या हुआ? रिलीजन के नाम पर देश को ही बांट दिया। हिंदू अलग, मुसलमान अलग। धर्म के नाम पर आजादी प्राप्त करते करते धर्म के नाम पर अपने देश के दो हिस्से कर दिए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा था, जो काम किया जा रहा था, उसका वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था, सबसे बुरा था, जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवी और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। अंग्रेजों को भगाने की बजाय, देश को स्वतंत्र कराने की बजाय, देश के दो हिस्से कर दिए गए। धर्म के नाम पर, धर्म के आधार पर दो देश बना दिए गए। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। हम आगे नहीं बढ़े, हम पीछे हटकर ही हमने कदम रखा, देश को बांट दिया। मतलब कि जो लोग ये उन सबके नाम है, जो जैसे पुजारी, पंडित, ये वो है कि इनको तुमने जरूरी समझा, इनके कहने पर तुमने देश के दो हिस्से कर दिए, ठीक है, कि इनको तुमने स्थान दिया, जिन्होंने धर्म के, जो धर्म के नाम पर लड़वा रहे थे, मतलब तुमने उनकी बात रखी ना, ठीक है। अपने उसी पाप का फल हमें आज भोगना पड़ रहा है। देश को स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अबुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिक शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज्य स्थापित कर रही है। मतलब कि धर्म के नाम पर देश के हिस्से कर दिए गए, धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर पागलपन हो रहा है, प्रपंच हो रहा है, उत्पात किया जा रहा है, लड़ाइयां, झगड़े किए जा रहे हैं। धर्म जो है उसको आधार बनाकर अब स्वाधीनता संग्राम जो शुरू हुआ था उसको आपने धर्म के नाम पर क्या बना दिया, बिल्कुल उल्टा ही कर दिया सब कुछ। अंडरलाइन करो, महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं।
उन्होंने धर्म को बहुत ऊपर माना, वे सब जगह, वे एक पग भी मतलब एक कदम भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, एक कदम भी धर्म के बिना चलने को तैयार नहीं वे। परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वे भली भांति समझ ले कि महात्मा जी ने धर्म का, महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। हम ये कहें कि वो धर्म को मानते थे, धर्म के नाम पर ऐसे वैसे, नहीं, पहले ये समझ लो कि उनके अनुसार धर्म क्या है, उनके कहने का मतलब क्या है। पहले ये समझना जरूरी है कि हम धर्म का स्वरूप क्या है उसे समझ लें। महात्मा जी के अनुसार, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का मतलब क्या है ये समझना जरूरी है। यह धर्म से महात्मा जी का मतलब, अंडरलाइन, धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है, उनके मानने में किसे एतराज हो सकता है। वो कहते हैं कि अपना ईमान, अपना धर्म ऊंचा हो और उदार तत्वों वाला हो, आप परोपकारी हो, दूसरों की सहायता करने वाले हो, एक साथ चलने वाले हो, ये है उनका धर्म का मतलब। कोई एक विशेष धर्म नहीं है, उनके अनुसार धर्म का मतलब है कि ऊंचे बने, उदार तत्वों वाले बने। उसे नेक्स्ट पैराग्राफ में आज के बच्चों के बारे में, आज की पीढ़ी के बारे में वो क्या सोचते हैं, अजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। अंडरलाइन, शुद्ध आचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। ये दो वर्ड्स बहुत ध्यान से याद कर रहे हैं, समझने हैं, शुद्ध आचरण और सदाचार। अच्छा बिहेवियर, शुद्ध आचरण, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, किसी तरह की खोट नहीं होनी चाहिए उसमें। और सदाचार, सत्य प्लस आचार, अच्छा बिहेवियर, गुड बिहेवियर, हाँ, ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। धर्म का मतलब ये नहीं है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म का मतलब क्या होना चाहिए, शुद्ध आचरण और सदाचार, ये धर्म के स्पष्ट चिन्ह है, ये धर्म होना चाहिए। अजा देने, शंख बजाने, नाक दबाने, नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये धर्म नहीं है जब तक आप में शुद्ध आचरण और सदाचार ना हो। क्या बेटे? जो मुसलमान पढ़ते हैं, जैसे हम रामायण पढ़ते हैं या गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, नमाज मुसलमान पढ़ते हैं, ओके? दो घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और पंचवक्ता नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने आप को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं दिखने देगा। आपने बड़े आराम से बैठ के पूजा पाठ किया, शंख बजाया, नमाज पढ़ी, भगवान को रिश्वत दे दी, प्रसाद चढ़ा दिया, पैसे चढ़ा दिए, है ना, मैं ये करूंगा वो करूंगा, ये कर दो वो कर दो, सब कुछ किया, पूरे मन से किया, पूरे मन से। लेकिन उन दो घंटों के बाद अगर आप किसी को दुख देते हैं, किसी को तकलीफ देते हैं, तो ईश्वर इसकी इजाजत नहीं देते, वो धर्म नहीं है, ये बेईमानी है, ईश्वर इससे खुश नहीं होते। जब तक आपके भीतर शुद्ध आचरण नहीं है, आपके भीतर सदाचार नहीं है, तब तक ईश्वर की भक्ति करना कोई मायने नहीं रखता। दो घंटे तक आप भगवान की भक्ति करते रहें, भगवान को रिश्वत भी दे दें और उसके बाद आप लोगों को परेशान करें, ऐसा चलने वाला नहीं है।
अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपके भल मन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। भल मन साहत मतलब भला मानस में पाना सोना, हिंदी में कहते हैं पंजाबी में भला मानस, भला मनुष्य होना। भल मन साहत मतलब भला मनुष्य होना, अच्छा व्यक्ति होना। आपकी भल मन साहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी, जिस पर आपको परखा जाएगा, जिस पर आपको देखा जाएगा। आप कितना पूजा पाठ करते हैं, कितना भगवान में लगे रहते हैं, ये नहीं कोई देखता। आपकी भलमन साहत क्या है, आप कितने भले मनुष्य हैं, आप कितने सदाचारी हैं, कितने शुद्ध आचरण वाले हैं, यही देखा जाएगा। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना होगा, अपने बिहेवियर को ठीक करना होगा, ऐसा बिहेवियर जो सबका कल्याण करें। और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री, गायत्री मतलब गायत्री मंत्र का पाठ, आपको देश के अन्य लोगों की आजादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद ना छोड़ सकेगी। जब तक आप अपना आचरण नहीं सुधारते हैं, आप अपना बिहेवियर ठीक नहीं करते हैं, तब तक पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अच्छे और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है। कोई व्यक्ति नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, कभी मंदिर ही नहीं जाता, कभी कोई पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन वो हर रोज गरीबों को खाना खिलाता, किसी को दुख नहीं पहुंचाता, वो अच्छा है या वो अच्छा है जो लोगों को दुख देता है, सब कुछ करता है, बुरे काम करता है, लेकिन पूजा पाठ रोज करता है? नास्तिक ज्यादा अच्छा है ना। ऐसा व्यक्ति जो मजहब को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, नास्तिक है, कोई पूजा पाठ नहीं करता, वो ज्यादा अच्छा है जो दूसरों के भले का काम करता है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, और जो मूर्खों को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ऐसे लोग जो स्वार्थ पूरा करने को बुरा मानते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों के दुख सुख का ख्याल रखते हैं, जो सदाचारी हैं, शुद्ध आचरण वाले हैं, नास्तिक हैं भले ही, वो ज्यादा अच्छे हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा। अंडरलाइन, ईश्वर इन नास्तिकों और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा। मुझे जो मजहब को नहीं मानते, धर्म जो धर्म को नहीं मानते, ठीक है। मुझे एक बड़ी पुरानी कोई फिल्म याद आ रही है, फिल्म का नाम नहीं पता मुझे, क्या फिल्म थी, बहुत साल पहले, बहुत छोटी थी तब देखी थी, ये लाइन पढ़कर मुझे सीन याद आया उस फिल्म का। एक डाकू होता है, डाकू जो है वो बड़े लोगों को लूटता है, बड़े लोगों को लूट लेता है, कुछ के साथ गलत व्यवहार भी करता है, कुछ को वो भी दे देता है, पैसे भी दे देता है, मतलब एक मिक्स सा बिहेवियर होता है उसका, बुरे काम ज्यादा करता है, ठीक है। लेकिन उसकी एक रूटीन है कि हर रोज वो मछलियों को खाना डालता है, हर रोज मछलियों को खाना डालता है, भूखी मछलियां दिन भर की, हर रोज शाम को, वो कहीं भी दूर हो, कितनी भी दूर हो, उसने शाम को लौटकर उन मछलियों के पास जरूर आना है, खाना जरूर देना है। वो मर जाता है, कुछ ऐसा होता है कि वो मर जाता है। भगवान अपने उन करिंदों को कहते हैं कि इनको, इसको नीचे छोड़ा वापस, इसका भी समय पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो कहते क्यों, इसको तो अब मरना था। कहते नहीं, इसने अच्छे काम भी किए हैं, सिर्फ बुरे काम नहीं किए। वो कहते इसने क्या अच्छा किया, कभी कुछ अच्छा नहीं किया। कहते नहीं, ये उन मछलियों को रोज खाना डालता, ये उसका अच्छा काम। वो बड़ा नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता, लेकिन वो उसका अच्छा काम है जो उसने रोज मछलियों को, भूखी मछलियों को खाना खिलाया। चाहे वो नास्तिक है, चाहे वो कुछ नहीं करता, चाहे वो लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता है,
लेकिन वो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहा है, चाहे वो नास्तिक है, ठीक है। और वह अपने पवित्र नाम पर अपवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा मत करो, मनुष्य बनो, आदमी बनो, दया करो। अब तुम लोग कहोगे हम मनुष्य तो हैं, आदमी हैं, और क्या, और क्या बने? ये देह तो आदमी की, मनुष्य की देह है ना, तो और मनुष्य कैसे बने? इसका क्या मतलब है? अपने कामों से मनुष्य बनो, कामों से आदमी बनो, पशु मत बनो। पशु नहीं बनना है, बंदा बन जा, कहते हैं ना बंदा बन जा, मतलब मनुष्य बनो, आदमी बनो, पशुत्व को छोड़ दो। भगवान कहते हैं अगर तुम मुझे मानते रहते हो लेकिन गलत काम करते हो तो उसमें मेरा ईश्वरत्व नहीं है। भगवान को मानना नहीं है, ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगे उससे, वो भगवान को मानना नहीं है। लेकिन मनुष्य बनो, पशु बनना छोड़ दो, आदमी बनो, मनुष्यता को मानो, ह्यूमैनिटी को मानो, दूसरों का भला करो, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े मत करो। क्लियर? चैप्टर क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट? श्योर? ओके। क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आप, आज धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर क्या क्या हो, विवाद, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद हो रहे हैं। आज धर्म के नाम पर विवाद, दंगे और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ओके? धर्म के व्यापार को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? वेरी गुड। साहस और दृढ़ता के साथ, दो शब्द पहले करवाए थे मैंने अंडरलाइन, दो बाद में, साहस और दृढ़ता के साथ शुद्ध आचरण और सदाचार को अपनाना चाहिए। साहस और दृढ़ता के साथ शुद्ध आचरण और सदाचार को अपनाना चाहिए। लेखक के अनुसार स्वाधीनता आंदोलन का कौन सा दिन बुरा था? ओके, बुक का निकालो पेज नंबर 64, लास्ट पैराग्राफ। वह दिन अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया गया। क्लियर? साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में क्या बात अच्छी तरह घर करके बैठी है? धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण दे देना भी ठीक है। साधारण से साधारण आदमी के दिल में ये बात अच्छे से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान के नाम पर अपने प्राण दे देना भी ठीक है। क्लियर?
धर्म के स्पष्ट चिन्ह क्या है? शुद्ध आचरण और सदाचार धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। चलते पुरजे लोग धर्म के नाम पर क्या करते हैं? ओके, इसमें हमने पढ़ा भी था। चलते पुरजे धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और अपने स्वार्थ सिद्ध करते हैं। ठीक है, लोगों की शक्तियों और उनके उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। चलते पुरजे धर्म के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, उनकी शक्तियों और उनके उत्साह का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर।